वाह, इस तरह से लाजवाब भेज डाल घर में बना के खा सकते हैं तो। नमस्कार, मैं हूँ गौतम और आप देख रहे हैं गौतम कुक की चैनल। तो चलिए, आज भेज दाल बहुत ही टेस्टी और रेसिपी है। दाल बहुत तरह से बना के खाए होंगे, पर एक बार इस तरह से बना के खाए भेज दाल, बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी भेज दाल। तो सबसे पहले मूंग दाल को फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, इसको 2-3 मिनट थोड़ा फ्राई कर लें, कलर जैसे चेंज हो जाता है इसको निकाल लें। बिल्कुल सूखा फ्राई करें, तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से फ्राई हो चुका है इसको निकाल लेंगे। और ठंडा होने के बाद इसमें पानी डाल के एक दो बार अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि दाल को पहले धोने से क्या होता है दोस्तों, अगर आप अच्छे से फ्राई नहीं कर सकते तो हमें सब चिपक जाएगा। तो हम पहले फ्राई कर लिए, बाद में धो लिया, तो थोड़ा गंदा बात जो भी है निकाल देंगे और इसको साइड कर देंगे। अगर आपके हाथ में टाइम है तो आप इसको कढ़ाई में पानी डाल के, नमक डाल के बॉयल कर सकते हैं। टाइम कम है तो मेरे जैसा कुकर में डालें और पानी, थोड़ा नमक, चाहे तो इसमें हल्दी भी आप थोड़ा डाल सकते हैं। इसको 2 से 3 सीटी मार दीजिए बस। यहाँ पे गाजर, बीन्स, फूलगोभी, मटर, हरा मिर्ची और अदरक काट के रेडी करके रखा हूँ, काजू किशमिश, ओके। 3 चम्मच सरसों का तेल, एज ए बंगाली ट्रेडिशनल डिश इसलिए हमेशा सरसों का तेल यूज़ करें। अगर आपके पास सफ़ेद तेल है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उसी तेल में गाजर और बीन्स को फ्राई कर लूँगा, थोड़ा सा स्टेयर कर ले इसको। तो चलाने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है तो इसको पहले डाला हूँ, उसके बाद इसको ढक्कन लगा देता हूँ। ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। तो देखिए अच्छे से सब्जी से हमारा पानी छोड़ दिया है, तो इसमें ऐड कर देता हूँ मटर और फूलगोभी, थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे, नमक डालने से जल्दी पकता भी है। तो इसको चलाते हुए कम से कम 4-5 मिनट सब्जी को थोड़ा पका लेना है अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से नहीं पकाना है कि गल जाए, बस पकना चाहिए, थोड़ा क्रंची रहना चाहिए, ठीक है। तो फ्राई होने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोस्तों इसको कर देते हैं साइड। उसी पैन में 1 चम्मच देसी घी, घी डालने के बाद काजू किशमिश, काजू और किशमिश को जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस टाइम में फ्लेम आपका हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम होना चाहिए, हाई फ्लेम में करेंगे तो किशमिश बहुत जल्दी काला हो जाता है तो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम इस टाइम हमेशा यूज करें। तो देख सकते हैं किशमिश कितना अच्छा से फ्राई हो चुका है, सब के सब फूल गया है। तो सभी को हम ड्राई फ्रूट जो है निकाल लेंगे। तो दोस्तों रेसिपी बहुत ही सिंपल है, खाने में लाजवाब टेस्ट है, तो इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। तो फ्राई करके इसको भी साइड कर देते हैं। 3-4 सूखी मिर्ची, 1 तेज़पत्ता, आधा चम्मच जीरा, इसको थोड़ा सा भून लेंगे, जीरा चटकने देंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देता हूँ अदरक। अदरक मैं यहाँ पे कूट के डाल रहा हूँ, आप चाहे तो कद्दूकस करके डालें या पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल बिना ऑनियन और गार्लिक का रेसिपी है, इसमें प्याज और लहसुन का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाना बहुत, क्या बताओ, अच्छा बनता है। तो देखिए हरा मिर्ची डाल दिया, इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, इसको थोड़ा सा मसाला को हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल लो फ्लेम में रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप तेल के ऊपर कभी भी मसाला डालें बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए, थोड़ा सा हाई फ्लेम होगा तो मसाला जल जाएगा, ठीक है ना। तो दाल भी हमारा बॉयल हो चुका था, देखिए दाल को ऐड कर दिया इसमें और उसी को धो के मैं थोड़ा और पानी इसमें यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा कम है। मूंग दाल क्या होता है दोस्तों, पहले आपको शुरू में लगेगा कि बहुत पतला है, लेकिन ये गाढ़ा हो जाता है तो
तो थोड़ा सा पानी आप पहले से ऐड कर देते। तो दोस्तों रेसिपी अच्छा लगने से जरूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पकने देंगे। जैसे दाल को थोड़ा सा उबालने के बाद अच्छे से फिर हम इसमें सब्जी जो है इसको ऐड कर देंगे। मैंने जो पहले से फ्राई करके रखा था उसी सब्जी को ऐड कर दिया और इसको 3-4 मिनट अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। बहुत अच्छे से उबले गए तो देख सकते हैं काफी हद तक थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। वाह, देखने में भी बहुत जबरदस्त लग रहा है दोस्तों। तो इसमें हम डाल देंगे हमने जो फ्राई करके रखा था ड्राई फ्रूट्स, काजू और किशमिश, इसको भी ऐड कर देते हैं। और इस दाल में डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हल्का मीठा होता है इसमें। और डाल देंगे गरम मसाला 1/2 चम्मच देसी घी। ये डाल के गैस को बंद कर देना है और अच्छा से मिक्स करने के बाद आपका दाल तैयार है। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है दोस्तों, तो थोड़ा पहले उठता है।